गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले तो रमज़ान सबको मुबारक। तो आज मेरे घर में है दावत, दावत है बड़े मामा की। आई नो कि मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ ये साल, क्योंकि उसका एक रीज़न है जो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। और इफ्तार दावत के लिए मैंने क्या क्या बनाया है वो आपको देखने मिलेगा व्लॉग में। और ये जो प्रेपरेशन है ना, ये एक रात पहले की है, क्योंकि कस्टर्ड ठंडा भी होना चाहिए, तो ये मैं कस्टर्ड बना के रख रही हूँ एक रात पहले। और फ्रूट्स जो है ना वो मैं नेक्स्ट डे पर डालने वाली हूँ दावत वाले दिन, फ्रेशली कट करके। तो हो गई है सुबह, और मेरी जो हाउस हेल्प है ना वो आ गए थे टाइम पे, और घर की साफ सफाई चल रही है, और बालकनी को भी एकदम क्लीन करवा लिया है, प्लांट्स को भी अच्छे से सेट कर दिया है। ये बेडरूम के एरिया का गार्डन है मेरा, और ये यहाँ पे हॉल का। बहुत सारे प्लांट्स गर्मी की वजह से सूख गए हैं, तो बहुत कम हो गए, अभी और न्यू लेके आने हैं। एंड देखो, मैंने मेरे पिजन्स को ना अंदर बंद रखी हूँ, ताकि लोग निकल के ना पूरा गंदा ना करें। और अब देखते हैं प्रेपरेशन। से रगड़ा मैंने इसमें चढ़ा दिया है, और चिकन का ग्रेवी यहाँ पे बन रहा है। चिकन को मैरिनेट करके मैंने रख लिया था वॉश करके कल रात ही, तो इसको बस अभी थोड़ा सा भून लूँगी। यहाँ पे रगड़े के लिए कांदा कट रहा है, और ये टमेटोज कट रहे हैं। ग्रीन चटनी बनके रेडी हो गई है, काफ़ी ग्रीन कलर आया है, एंड आई डोंट नो कि कैसे इतना ग्रीन आया है। बाकी सब छोटा मोटा तैयारी सब चल रही है अभी मेरी। ये अनियंस मैंने बहुत सारे फ्राई करके रख लिए थे इसमें, और ये टमेटो की प्योरी है, और मैंने बहुत सारा ऑयल डाला था ताकि ऊपर फंगस वंगस ना जम जाए, और आराम से एक महीना चल जाते। बहुत सारे टोमेटोज़ ला के, 2.5 किलो टोमेटो लाई थी, तो 1 किलो बनाइए, बहुत पकाया मैंने इसको। इसका रेसिपी कभी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये 2 बड़े टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिए ग्रेवी में, तो ज़्यादा टेंशन ही नहीं, फटाफट बन जाती है। मसाला हमारा भुन चुका है, तो अब इसमें मैं ये अनियंस डालूंगी। अब मैं कट करने जा रही हूँ फ्रेश फ्रूट्स कस्टर्ड के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मैंगो एकदम छोटे छोटे चंक्स में इसको काट ले रही हूँ, फिर उसके बाद में मैं काटूंगी बनाना, और फिर ग्रेप्स, क्योंकि काफ़ी फ्रूट्स तो फिर को मिले नहीं हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, ब्लैक ग्रेप्स हो गया, और अनार, तो वो लेके आएंगे, तो उसको तब मैं डालूंगी। तब तक के लिए मैं इन फ्रूट्स को डालूँ ताकि वो ठंडे हो जाए, और कस्टर्ड भी हमारा काफ़ी गाढ़ा है, तो फ्रूट्स डालने के बाद ना थोड़ा पतला होगा, क्योंकि फ्रूट्स जो है ना वो अपना जो जूसेज है वो रिलीज करेंगे। रेड फ्रूट्स जब इसमें आएंगे ना, तो इसका कलर एकदम एनहेंस होकर आएगा माशाल्लाह। यहाँ पे मैंने शुगर डाल दी इसमें थोड़ी सी, अब डालूंगी रो अफ़ज़ा, 1 लीटर का हम लोग बना रहे हैं, जैसे तो फैल आएंगे ना ये क्या ठंडा हो जाएगा, तो बाद में इसमें डाल दूंगी दूध। तो ये तो मेरा बैटर ऑलरेडी बना हुआ था, कल बनाई थी, इसी में ना मैं ऐड कर दूंगी 4 टेबलस्पून बेसन, इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर। अब इसमें जाएगा कुटा धनिया 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स जितना तीखा आप लोगों को चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून डाली हूँ। 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है भजियों में। सॉल्ट एज पर टेस्ट, और कलर के लिए हल्दी, दैट्स इट। और जब इसे पानी से घोल लो, फिर इसके बाद में ना 2 पिंच डालना है खाने का सोडा, मीन्स बेकिंग सोडा। तो फिर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा सेमी थिक बैटर बना लेंगे, ज़्यादा थिक भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। मैं इसी में बना लेती हूँ, क्योंकि फ्राई करने भी ईजी रहता है, और फिर जब बच जाए तो स्टोर करने भी ईजी रहता है। हमारा जो घोल है ना वो ऑलमोस्ट रेडी है, इसमें आप बहुत सारे टाइप्स के भजिए बना सकते हैं, इतना थिक होना चाहिए। तो यहाँ पे बैंगन कट करके हो गया है, मैंने नमक वाले पानी में डाल दी ताकि ऐसे ब्लैक ना हो जाए, और यहाँ पे आलू भी मैंने चॉप कर लिए छोटे छोटे से, साइज़ मुझे बड़ा मिला नहीं था, नहीं तो मैं बड़े साइज़ बनाती हूँ। आलू तो मैं बच्चों के लिए फ्राई कर रही हूँ, कि लोग शौक से खाते हैं, छोटे बच्चे लोग हैं। हाँ तुम बच्चा हो ना, मेरा बेबी हो तुम, ये देखो प्रिंस को, बच्चा हो मेरा, डॉन हो तुम, कितने बड़े डॉन हो, भूत हो, अच्छा। अभी यहाँ पे ना मैं वाटरमेलन कट कर रही हूँ जूस में डालने, तो इसको भी छोटा छोटा पीसेस कर लूंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं मोहब्बत का शरबत, तो उस पर तो वाटरमेलन कंपलसरी है, दिल्ली का फेमस है आई थिंक सो, तो बहुत अच्छा भी लगता है, रूह अफ़ज़ा दूध और उसके साथ में इसके जो चंक्स आते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। थोड़ा शुगर मिक्स करें, नीचे जाके बैठ लिया जम के। यहाँ पर मैंने ना इमली भिगाई थी रगड़े के लिए, तो उसी का मैं पल्प निकाल रही हूँ अच्छे से, ताकि जो खटाई है ना वो आ जाए रगड़े में। तो
ये जो हमारा रगड़ा है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया है। मैं पहली बार रगड़ा बना रही हूँ टू बी ऑनेस्ट। मैंने रेसिपी अपनी मॉम से पूछी है। जो इमली का पानी है इसमें डाल देंगे पूरा। इमली का पानी ऐड करने के बाद ना इसे अच्छे से चला लेना है, और जब सर्व करने की बारी आएगी ना तो उस टाइम पे मैं कांदा टमाटर और हरी मिर्च और फिर क्या नाम है इसका कोरिएंडर डाल के उसको सर्व करूँगी, थोड़ा डेकोरेशन और चाट मसाला ऊपर से डालूँ तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब हम देखते हैं हमारा जो ग्रेवी है उसका शक्ल किस तरह है। माशाल्लाह देखो, मैं यूजुअली तरी कम ही रखती हूँ, बट जो मेरे इन लॉज है वो लोग अच्छा खासा तरी वाला खाते हैं। ठीक है, हमारा चिकन भी अच्छे से गल गया है, खुशबू भी बहुत ही मस्त आ रही है। तो एप्पल्स मैंने अभी काटी हूँ और जो अनार है उसको मैंने छील लिया है। अभी ये इसमें ऐड कर दूँगी कस्टर्ड में, इवन एप्पल्स। गिव इट अ गुड मिक्स और फिर से इसको रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। प्रिंस को भी मैंने रेडी किया है। प्रिंसु मोए मोए क्या कर रहे हो? मोए मोए कर रहे हो? अच्छा, अभी बज रहे हैं 4:20। मामी बोल रहे थे 4 बजे तक आ जाती हूँ, बट अभी तक आए नहीं। मेरा तो सब काम हो गया, बस वो आएंगे तो रोटी बना देंगे एंड वी आर डन। फ्रूट्स काटेंगे एंड बैठ जाएंगे हम लोग रोज़ा खोलने, अल्लाह अल्लाह करने। कैसे पापा अल्लाह अल्लाह करो? कैसे करो? अजान होती तो क्या करते? बॉम्ब फूटता है ना। हाँ बेबी, सबको हाय कर दो। हेलो। सो मैंने भी न्यू ड्रेस पहनी हूँ। ये है मेरा न्यू ड्रेस और अब वेट कर रही हूँ कि ये लोग आ जाएं जल्दी से। और मेरे जो पिजन्स हैं उनको भी मैं ऑलमोस्ट बंद की थी, बट ये लोग निकल गए दो जन बाहर, इसलिए बाहर ना अभी नीचे साफ़ है, वरना बालकनी ये लोग पूरी गंदी करते हैं। मैं बताती हूँ आप लोगों को, देखो एकदम क्लीन क्लीन है बालकनी। आई नो कि मैं बहुत स्लो व्लॉग्स डाल रही हूँ और व्लॉग्स भी बहुत लेट बना रही हूँ, तो रीज़न है कि मेरा फ़ोन जो है ना वो फिश टैंक में गिर गया था और डैमेज हो गया था, तो कैसे कैसे करके पूरे जो पुराने व्लॉग्स हैं ना वो भी उसमें स्टक हो गए हैं, निकल नहीं रहे। तो बैकअप लेना है, बट मेरे पास है मैकबुक, तो उसमें से जो मेरा जो एंड्रॉयड फ़ोन है ना वो कनेक्ट होके नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के करना पड़ेगा। इसलिए मैं गैलरी में भी नहीं दे रही हूँ फ़ोन बनाने, क्योंकि आई थिंक सो उसका डिस्प्ले डैमेज हो गया है, बट आई एम नॉट श्योर क्या हुआ है। फोटो खिंचवा रहा है, बोल रहा है फोटो फोटो करके। मामी अभी से रोटी का आटा गूंद के रख दे रहे हैं ताकि सेट हो जाए। एक ही काम दिया है मैंने मामी को आज, और ये मेरे फ्रोजन चीजें जो मैंने बना के रखी है, जिसमें है चिकन स्प्रिंग रोल और व्हाइट सॉस चिकन समोसा। वो भाई के साथ खा लो, थोड़ा इसको भी दे दे उमर। हाँ भाई के साथ बैठ के खाओ। यहाँ पे मेरा फ्राइंग का काम चल रहा है। 3 मैंने स्टार्टर के आइटम बनाए हैं और इसके साथ में साटे स्टिक्स भी बनाई हैं चिकन की। क्या हुआ बेटा, कबूतर है? हाँ वो उन लोगों का घर है। वालेकुम मामा, आ गए। तो मामा काफ़ी लेट आए एकदम एंड टाइम पे, तो तुफेल और मैं वही बोल रहे थे कि मामा हम लोगों को लगा कि आप ना इफ्तारी के बाद आओगे, तो हंस रहे थे मामा। स्टार्टर्स तो मेरे माशाल्लाह सारे फ्राई हो गए हैं, अब बार ये भजिए की। तो यहाँ पे सबसे पहला बैंगन के भजिए फ्राई हो रहे हैं, उसके बाद में मैं आलू के भजिए को फ्राई करूँगी, और मामी यहाँ पर ना फ्रूट्स को कट करके प्लेट्स में सेट कर रहे हैं। चलो मामी आ गए तो इतना काम मेरा आसान हो गया। दो तुमको मैं मना कर रही हूँ लेके जाने, तुम फिर सुनते नहीं हो। बोलिए टाइम बाकी है, गिरा दोगे।
बस हो गया, अभी बस हो गया। पापा नहीं बाकी है, क्या बाकी है? तू लेके वो आ जा फैजी, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। अच्छे से पाँव नहीं देना, पाँव नहीं देना किसी पे भी। हाँ तुम्हारा छोटा, बाद में अभी नहीं, सब खाएंगे ना कभी। बड़ा रखो 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 बेटा, डोंट टच, रख दो। हाँ अभी सब लोग बैठेंगे ना तब आना, ठीक है? आ जाओ आ जाओ, हो गया आ जाओ। बम फूटेगा, जाओ जाओ जाओ, बैठो बैठो। बस हो गया पापा, बस हो गया। प्रिंसु अब यहाँ पे मैंने रगड़े को गार्निश कर दिया है और जूस भी मैं रेडी कर रही हूँ, बट जूस में मुझे रूह अफ़ज़ा थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दी थोड़ा सा। रमज़ान में तो हर घर में आपको रूह अफ़ज़ा मिलेगा, इट्स अ मस्ट, मतलब एक रिचुअल है, कंपलसरी कि रूह अफ़ज़ा होना। एक जग तो मैंने भर दिया था, अब मैं भर दूँगी दूसरा जग क्योंकि रूह अफ़ज़ा थोड़ा बच गया था। यहाँ पर ग्लासेस रेडी है हमारे और अब मैं डालने जा रही हूँ कस्टर्ड। माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान सज गया है, हम सब बैठ गए हैं रोज़ा खोलने इफ्तार के लिए। और ये देखो हर एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से रख दी है, बस यही टेंशन था कि इफ्तार जो है हमारा दावत का वो अच्छे से हो जाए। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो गया है, अब हो रही डिनर की तैयारी। बड़ा मामा तो चले गए और अब मामी बना रही है रोटियां डिनर के लिए, और रोटियां बनती है बच्चे बैठ गए खाने के लिए। अजान अजान अब यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ खाना बड़े मामा और मामी के लिए, क्योंकि मामा चले गए थे तो मामी ने भी नहीं खाया, तो सालन मैंने इतना हम लोगों के लिए रख लिया और बाकी जो कस्टर्ड बचा था ना उसको भी मैंने पैक कर दिया। रोटी और रगड़ा को भी मैंने पैक कर दिया क्योंकि इतना सारा मैंने बनाया था, बच्चे लोग ने बहुत कम खाए, कोई खाएगा नहीं, वजह से मैंने सारा ही पैक करके दे दिया था। लो फैजी पकड़ो बड़े मामा का खाना है। हाँ ये प्रिंस छोड़ दिया ना, पापा नहीं खा रहे, देखो जा रहे मामी। वालेकुम सलाम, चलो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, आना फिर। वालेकुम सलाम, बाय बाय कर दो पापा, नहीं किए बाय। तो मामी लोग 9 बजे निकल गए थे काफ़ी जल्दी, क्योंकि मामा को खाना भी खाना था और ऊपर से जहाँ पे मामी रहती है वहाँ का रास्ता सही नहीं है अंधेरे में, सो ये वजह से वो लोग जल्दी निकल गए। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो गई थी दावत और मेरी फर्स्ट दावत थी, आगे और भी आएगी तो सिर्फ ये साल आपको दावत के ही व्लॉग्स देखने मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।